Now we will discuss about the process of spore formation, topic 14.2.4. Spore formation is another type of asexual reproduction, यानी कि asexual reproduction की एक type में से, एक category में से ये category है spore formation. Spore formation की अगर हम बात करें तो इसमें हम example को ले लेते हैं, जैसे हमारे पास fungus है rhizopus. Like rhizopus, हमारे पास एक ऐसी fungus है जब ये अपने fully reproductive age में पहुंचती है, यानी कि जब इसकी reproductive age आती है उस वक्त इसके जो body cells होते हैं, rhizopus के जो body cells होते हैं, ये क्या करते हैं कि एक thick walled spore sacs produce करते हैं. यानी कि जब rhizopus अपनी fully reproductive age में पहुंच जाए तो इसके जो rhizopus के जो body cells होते हैं, ये एक thick walled जो sac है, spore sac, वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसे स्पोरेंजियम बोलते हैं. अब होता क्या है कि स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं इनकी डिवीजन होती है, और सेल्स की डिवीजन से डॉटर सेल्स बनते हैं. डॉटर सेल्स जो होते हैं वो होते हैं स्पोर्स. यानी कि हमें ये पता लगा कि जो थिक वॉल्ड स्पोर सैक बन रही है बॉडी सेल्स की, जो बॉडी सेल्स बना रहे हैं राइजोफस के, तो वो आगे बनाएंगे थिक वॉल्ड स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम में जो सेल डिवीजन के जरिए हमारे पास बन रहे डॉटर सेल्स, इन डॉटर सेल्स को बोलेंगे स्पोर्स. अब ये जो स्पोर्स हैं, इनके बाहर एक थिक वॉल्ड सिस्ट जो है ये प्रोड्यूस होती है. ये सिस्ट क्या करती है कि इनको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन से. यानी कि समटाइम इस तरह होता है कि जो कंडीशंस होती हैं एनवायरनमेंट की, वो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल होती हैं कि स्पोर्स की जर्मिनेशन के लिए वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होती, तो सिस्ट जो है वो फिर इनको प्रोटेक्ट करती है. जैसे ही हमारे पास एनवायरनमेंट में जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो मौजूद होती हैं, अवेलेबल होती हैं, तो ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं. यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म से मुराद है कि न्यू राइजोपस जो है वो प्रोड्यूस होगी इन स्पोर्स की जर्मिनेशन से, जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी एनवायरनमेंट की. इसी तरह अगर हम बात करें तो बहुत से यानी बैक्टीरियाज वगैरह भी हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये अपनी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स की फॉर्मेशन के जरिए भी जो है ये बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस होते हैं. लाइक बैक्टीरिया की कुछ ऐसी काइंड्स हैं, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास बैसिलस स्पीशीज, और इसके बाद हमारे पास हैं क्लॉस्ट्रीडियम, तो ये जो स्पीशीज़ है हमारे पास बैसिलस की स्पीशीज़ और क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह की स्पीशीज़ बैक्टीरिया की, ये जो है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये अपनी प्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. तो जैसे कि ये देखें कि यहाँ पे ये स्पोर बना, ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें यानी ये आगे स्पोर एंटर हो जाएगा और इसके बाहर सिस्ट की वॉल होगी. जैसे ही कंडीशंस जो है वो फेवरेबल होंगी, स्पोर जो है वो बाहर निकलेगा, यानी बैक्टीरिया का सेल जो है वो ब्रेक करेगा, स्पोर जो है वो बाहर निकल के जर्मिनेट करेगा और न्यू बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस होगा. तो ये जो है ये सारा प्रोसेस है हमारे पास जो यीस्ट में, यानी ये हमारे पास फंगस राइजोपस है और जो हमारे पास बैक्टीरियाज वगैरह हैं जैसे जिनमें क्लॉस्ट्रीडियम और बैसिलस की स्पीशीज़. तो ये थी स्पोर फॉर्मेशन. ओके, थैंक्स.